जो जाग चुके थे उन्होंने लोगों को जगाया, समझाया और हम में से कुछ लोग जाग भी गए। पर हमने क्या किया? हमने उन जाग चुके लोगों को, उन बुद्धत्व प्राप्त लोगों को भगवान बनाया, उनकी पूजा की, उनसे प्रार्थना की, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से ढाल लिया, उनकी पूरी मेहनत पर हमने पानी फेर दिया। दोस्तों, बचपन में हमारे अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं। चांद गोल क्यों है? वह आकाश में क्यों लटका है? तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं? इतने सारे तारे कहाँ से आते हैं? ऐसे ही अनगिनत सवाल बचपन में हमारे अंदर थे और शायद आने वाली पीढ़ी यह सवाल ना पूछे, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल होगा और वह कभी आकाश की ओर, कभी तारों की ओर, कभी चांद की ओर, कभी सूरज की ओर इतने ध्यान से नहीं देखेंगे कि उनके भीतर यह सवाल उत्पन्न हो सके, वह जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। जब हमने अपने बड़ों से इसके उत्तर पूछे तो उन्होंने भी हमें वही जवाब दिए, वही उत्तर दिए जो उनके माता पिता ने उन्हें दिए थे। जब हम स्कूल कॉलेज में गए तो वहाँ हमें नए उत्तर पता चले। इन बाहर से मिलने वाले उत्तर ने हमारे भीतर की जिज्ञासा को मार ही दिया, क्योंकि अब हमें उनके उत्तर पता हैं तो सवाल भी मर गए। क्या आज भी आप चांद, तारे, सूरज को वैसे ही देखते हैं जैसे बचपन में देखते थे, या आपने इन्हें देखना ही छोड़ दिया है? और मैं यह मानता हूँ कि शायद आपने इन्हें देखना ही छोड़ दिया है। जैसे हम प्रकृति से दूर हो गए हैं और एक बनावटी दुनिया में जी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने आप से, खुद से बहुत दूर हो चुके हैं और इस बनावटी दुनिया का एक हिस्सा बन गए हैं, जो गिने चुने कार्य करने में व्यस्त हैं। जहाँ जीवन का, आनंद का, खुशी का, प्रेम का, दया का, करुणा का कुछ पता ही नहीं है। हम अपने जीवन में जिसे प्रेम करते हैं उसी से घृणा भी करते हैं, उसे मार डालते हैं, उसकी हत्या भी कर देते हैं। हम खुशी पाने के लिए दुखी हो जाते हैं, हम अपने लिए दया ढूंढते हैं पर लोगों पर हम क्रोध करते हैं। आनंदित होने की जगह हम निराशा और पीड़ा में चले जाते हैं। जीवन का तो जैसे हमने सत्यानाश कर दिया है। हम अपने जीवन को नर्क के समान जीते हैं। सबसे बड़ा सवाल परमात्मा, ईश्वर को लेकर है कि क्या वह है, और अगर वह है तो उसकी इस दुनिया में इतनी नाइंसाफी क्यों है? पर हमें सबके उत्तर पता है। हमें पता है कि ईश्वर कहाँ है, वह कहाँ रहता है, वह कैसा दिखता है, क्या करने से वह खुश हो जाता है और क्या ना करने से वह दुखी हो जाता है। हम सब अपने ईश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या आप नहीं जानते? आप जानते हैं, इसलिए आप हमेशा उसे मनाने में लगे रहते हैं, अपनी शक्ति से, अपने प्रेम से, अपने समर्पण से। पर यही तीनों शब्द, भक्ति, प्रेम और समर्पण, आपके भीतर नहीं है। फिर भी आपको ऐसा भ्रम है कि आप भक्ति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, और जब आपको इस सृष्टि के बनने से लेकर बनाने वाले से लेकर इस सृष्टि के अंत तक का, अंत करने वाले तक का सब कुछ पता है, तो आपके भीतर सवाल कैसे खड़े होंगे? और जब सवाल ही नहीं होंगे तब आप खोज किसकी करेंगे और कैसे करेंगे? मैंने देखा, एक मरती हुई बूढ़ी औरत को, ज़्यादा बूढ़ी तो नहीं थी, यही कोई 50 से 55 साल की होगी, किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थी। अपने मरने से 2 दिन पहले उसने अपने बच्चों से कहा, जब मैं मर जाऊंगी तब मैं तुम पर चिपकूंगी। वह कहना चाहती थी कि उसकी आत्मा तुम में से किसी के भीतर आकर बात करेगी, पर जब ऐसा हो तो तुम एक काम करना, मेरे नाम की एक साड़ी, चूड़ी, श्रृंगार का सामान किसी को दान कर देना, तब मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। दूसरे ही दिन वह औरत मर गई, पर ना उसकी आत्मा वापस आई और ना उसके बच्चों ने कोई श्रृंगार का सामान दान किया। हमारा ज्ञान रूपी भ्रम इतना गहरा हो चुका है कि मौत भी हमें नहीं जगा पाती। हम जानते हैं कि हम मौत के बाद वापस आ सकते हैं,
पर क्या वास्तव में आपको लगता है कि आप वापस आ सकते हैं? आप कभी भी इस बारे में संदेह नहीं करते यह सब सही है या गलत है। सच कहा जाए तो आप अभी उस छोटे बच्चे की तरह हैं जिसके मन में हजारों सवाल थे, पर अगर वह उन सवालों को लेकर बड़ा होता तो अवश्य वह अपने बारे में कुछ जान सकता था। पर बड़े होते होते हमारी जिंदगी बस इसी बात पर टिक जाती है कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, मेरे पास धन नहीं है, मुझे धोखा दिया गया, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई मुझे समझता ही नहीं है। हम अपनी जिंदगी दूसरों को समझाने के लिए ही जीते रहते हैं, पर इससे बड़ा अत्याचार अपने ऊपर हमने क्या किया होगा कि हम दूसरों को समझाने के लिए जीते हैं किंतु अपने आप को कभी नहीं समझते। अपनी आंखें बंद कीजिए और जरा सोचिए, जब आप आए थे, जब आपने जन्म लिया था, तब आप अकेले थे, जब आप जाओगे, जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तब भी आप अकेले होंगे। इस बीच में जो जीवन आपने जिया, इस जीवन को भी आप अकेले ही पूरा करते हो। पर ध्यान देना, आपको ऐसा भ्रम हो जाता है कि मेरी जीवन यात्रा में बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं और इसी कारण से आप इस जीवन में दुख का अनुभव करते हैं, परंतु सत्य यह है कि वह सब अकेले अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं और आप भी अकेले ही इस जीवन यात्रा को कर रहे हैं। पर आप सबको यह सब चीज़ें क्यों नहीं दिखती, क्यों समझ में नहीं आती? और इसका एक कारण यह भी है कि जब आप छोटे थे तब आपके मन में हजारों सवाल थे, पर इन सवालों के उत्तर पाने की क्षमता आप में नहीं थी। और जब आप में इन उत्तरों को पाने की क्षमता पैदा हुई, यानी आप बड़े हुए, युवा हुए, शक्ति से परिपूर्ण हुए, तब आपके पास सवाल नहीं थे। इस दुनिया में समय समय पर ऐसे बहुत से लोग पैदा हुए जो जाग चुके थे और उन्होंने लोगों को जगाया, समझाया, और हम में से कुछ लोग जाग भी गए। पर हमने क्या किया? हमने उन जाग चुके लोगों को, उन बुद्धत्व प्राप्त लोगों को भगवान बनाया, उनकी पूजा की, प्रार्थना की, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से ढाल लिया, उनकी पूरी मेहनत पर हमने पानी फेर दिया। हम बहुत चालाक हैं, पर यह चालाकियां हम किसके साथ कर रहे हैं? अपने खुद के साथ खुद को दिखा देना हमारी आदत सी बन गई है। हमें कभी इतना होश नहीं आता कि हम अपने आप से यह पूछ लें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। क्या आप अपने आप से यह सवाल करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या आपको जवाब मिलते हैं? और अगर मिलते हैं तो क्या वह जवाब आपके खुद के जवाब हैं, खुद का अनुभव है, या आपने किसी के जवाब उधार लिए हैं? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसका जवाब कोई दूसरा आपको कैसे दे सकता है? आप अपने सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, तो आप कौन हैं और क्या हैं, इसका उत्तर आपको आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। पर हमें होश कहाँ है कि हम अपने आप से यह पूछें? किसी बुद्ध पुरुष की बातें सुनकर शायद आपके मन में कभी यह ख्याल आ जाए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, पर कितनी देर, पर कितनी देर के लिए? एक घंटा, एक दिन, एक महीना? ज़्यादातर लोगों को तो 5 से 10 मिनट में ही अपनी बेहोशी वापस चाहिए और वह अपनी बेहोशी में वापस चले जाते हैं। हम लोग चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, किसी को पाने के लिए तड़पते हैं, दुविधा और चिंता लेकर हमेशा घूमते रहते हैं। क्या इतनी खूबसूरत जीवन के साथ आप यह सही कर रहे हैं? जरा सोचिए, जीवन जो इतना खूबसूरत हो सकता है उसे हम कितना बदसूरत बना रहे हैं। कोई अगर बचपन में ज्ञान प्राप्त करे तो उसका पूरा जीवन बहुत आनंदमय गुजरेगा, कोई जवानी में ज्ञान प्राप्त करे तो उसका बुढ़ापे तक का जीवन आनंद से गुजरेगा, कोई बुढ़ापे में ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसकी मृत्यु बड़ी आनंदमय होगी, और कोई अपने पूरे जीवन में बेहोश ही रहे, अज्ञान को ज्ञान मानता रहे, उसका पूरा जीवन नरक के द्वार पर गुजरेगा और मृत्यु उसे नरक के द्वार के भीतर ले जाएगी।
अपने जीवन को एक नया आयाम दीजिए। जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हो वह सही हो, और क्या बिगड़ जाएगा अगर आपने खुद से कुछ जान लिया, आपने खुद से कुछ सवाल पूछ लिया। जितना बेहतर जीवन आप खुद को खोज कर जी सकते हैं, उतना बेहतर जीवन आप कितना भी धन कमा लें या आप कितने भी सफल हो जाएं। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी उपाधियां जो कुछ भी हो सकता है प्राप्त कर लें, तब भी आपने और रोज मर रहे लोगों में कोई अंतर नहीं होगा। तब भी आप में और रोज मर रहे लोगों में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।